गोलकीपर पूरी तरह फिसल गए हैं, गिर गए हैं। हर जिस तरह से फिसल चुके पर गोलकीपर, मुझे बंगला का एक पुराना गाना याद आ रहा है कि झिपिर झिपिर जल है। जी हाँ, झिपिर झिपिर जल है, छोटे चीटा माटी गोल है, अच्छा उनके गले को पिछले गले को बेहन तो के हमें भाल है भाल है। कुछ समय पहले जिस बात का मैं जिक्र करते हैं कि जब मैदान में पानी धीरे धीरे टपकने लगता है तो बॉल स्किट होता है, टापा खाने के बाद बॉल में गति आ गए, उस मोमेंट को यहाँ पर महावीर टुडू समझ नहीं पाए और एक सफलता हाथ लग चुके यहाँ पर एबीसी जगन्नाथपुर टीम के खिलाड़ी को। लेकिन 50 के मोमेंट में शायद एक खिलाड़ी को चोट पहुंची होगी। जो खिलाड़ी एबीसी जगन्नाथपुर के गोल मारे हाथ उठा देंगे भाई। चलो शायद लास्ट टच मुन्ना पाथर का था और आखिरकार गोल लगे, थोड़ी बहुत अगर चोटिल हो चुकी 50 के मोमेंट में। पहला राउंड का मैच जब चल रहे थे मैं गहरी चोटिल होके मुन्ना पाथर मैदान से बाहर हो चुके, हालांकि टीम के लिए गोल मारे हैं, लगभग अपना काम कर चुके हैं। साकल लगा बम बम टीम रिंग खेड़े को नंबर एबीसी मैच जगन्नाथपुर टीम रिंग खेड़े को जेले पर उत्तर प्रांत हमने देखते पाचे साकल का बम बम टीम खेलवाड़ और दक्षिण प्रांत एबीसी जगन्नाथपुर कृष्णा मुर्मू जैसमर 14 पद, टीमें 15 नंबर के जैसमें राजेश मार्डी अनुभवी खाड़ी टीम के साथ जुड़े हैं। बलदेव किस्कू का जैसमर 4, अच्छे अच्छी खाड़ी टीम के साथ जुड़ा हुआ है। गोलकीपर महावीर टुडू एक अच्छी गोलकीपिंग के लिए जाना जाता है, एक अच्छे गोलकीपर के रूप में जाना जाते हैं। एबीसी जगन्नाथपुर टीम के लिए जहां तक बात करें, सबसे पहले विमल मार्डी का नाम लेना चाहूंगा। डेढ़ नंबर 20 पर विमल मार्डी है, ये है जादू, जादू स्किल के लिए जाना जाते हैं। अरे है मुन्ना पाथर स्किल का बसा माना जाता है। टीम में सुक्कू टुडू एक साफ सुथरी खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े आ रही है। दिनेश किस्को रिकॉर्ड का बादशाह माना जाता है, इनको कम समय में काफी सारे टूर्नामेंट में फास्टेस्ट गोल देकर रिकॉर्ड का अपने नाम किए। गोलकीपर राजा बेसरस राजू के नाम से जाना जाता है, पिछले मैच में हैट्रिक सेव किए थे इन्होंने प्लेंटिक शूट आउट में। खेलने के लिए रेडी रहेंगे इसके बाद वाले मैच के लिए पूरी तरह रेडी में रहेंगे। आप है एएमसी मुड़ा का इलाहाबाद सारणी की आगमन हो चुकी है। सावन का महीना है और तरह का बारिश में शुभ माना जाता है, दर्शक भरपूर आनंद लेते हुए। अच्छा बॉल यहां पर रवि टुडू के द्वारा, स्पीड से आ रहे थे प्रकाश मुर्मू, स्पीड से बॉल को क्लियर करना था। उस तरह का बॉल को क्लियर करने के लिए सिर्फ पांव को मजबूत रखना पड़ता, बॉल में ताकत ना देके बॉल में दिशा देने की आवश्यकता होती है।
और यहाँ पर मौका बन सकती है बुले के लिए। आगे ज्यादा पीछे डालेंगे तो साथ ही बैठे बॉल को रिसीव करने में दिक्कत होगी। जादवनाथ मुर्मू अनुभवी खिलाड़ी बॉल को पास करते हुए এতো অক্তখন বানা টিম নাপায় খেল কো সদরে গোল কপল নতো দেবে তে বাং হুই কেন সাকলাকা বুম বুম টিম রে মোসাবনি ডুমুরিয়া ইরেরিন খন্ডে টিম রে সেলেন মানা কো আড্ডি কে নাপা তাক বলে লেগি দুই জড়ে কো মন কারণ গোল কপল রাজু বেসরা উনকে নাপায় কি কিন বাঁচা তার মাকা चलिए मौका अभी भी अपर जगन्नाथ मुर्मू के लिए। उनके जगह पर कालीचरण मुर्मू सिलभुल खिलाड़ी आ चुके हैं। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं पर जगन्नाथपुर टीम के लिए समय रहेगा अभी से जगन्नाथपुर टीम के लिए। अगला मैच खेलने के लिए एएमसी मुड़ागढ़ी टीम की खिलाड़ी और जय जगन्नाथ एफसी की खिलाड़ी आप लोग रेडी में रहेंगे। और एक मौका बन सकती है सुकू डुडो को हल्के में लेना चाह सामने पे है ऑलराउंडर प्लेयर है सुकू। बड़ा हस्ती के लक्ष्य के ग्राउंड में कमाल का लाजवाब प्रसन्न इनका रहा। कुचन कोड़ा लहा है कुचन कोड़ा रोहित टीम नहीं कुचन कोड़ा बले बॉल को काफी पीछे धकेलते हुए अच्छी वॉल पासेस के जरिए बॉल का आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दल के खड़े को तितर बितर करने के लिए एक अच्छा रणनीति। चल बीमाल छीने में तो कामयाब हुए थे हालांकि बॉल एड कंफर्म है आज सब आज यहां कल बारिश हो रहा बारिश शाम है पर राजेश के लिए डालते हुए बैटरी खत्म हुआ जो खिलाड़ी या जो गोलकीपर व्हाइट ग्राउंड में जो प्रैक्टिस करते भीगे मैदान में जो खेलते हैं प्रैक्टिस करते उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैदान में हल्का फुल्का पानी है तो आपके लिए जितना है विपक्षी दल के लिए भी उतना है। जब दूसरे खिलाड़ी बेहतर खेल रहे हैं मैं भी बेहतर खेल पाऊंगा। आशीष और अच्छी गोलकीपिंग है पर राजू के द्वारा चाईबासा एरिया में भी इनके काफी नाम है। चाईबासा एरिया में भी बड़े बड़े टीम से खेलते हैं राजू बेसरा। सकल का बुम्बुम की गोलकीपर महावीर टुडू के अगर बात कीजिए भी बहुत ही चर्चित गोलकीपर है लेकिन आज बॉल का टाइमिंग नहीं कर पाए बॉल का मोमेंट को समझ नहीं पाए। और एक छिड़ू के द्वारा शानदार बचाओ भोली की लगन में नाकाम रहा दिनेश किसको
1:1 में स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है, जो खिलाड़ी अपना होम ग्राउंड में श्याम सुशील के लिए बल को डालता हुआ, लेकिन छीनने में कामयाब होता हुआ जगन्नाथपुर की खाड़ी बिमल मार्डी के शानदार पास तिरछी दिनेश किसको हल्की फुल्के बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, सेमीफाइनल तक का पूरा समय आप सबको हम लोग दे पाए इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों डिग्री खाड़ी आप मेडिकल जोन में आएंगे। और चल इसी बीच यहाँ पर लंबी की जरी खतरा को टालने की कोशिश बलदेव का गलती विमल मांडी बॉल को दिनेश के लिए डाला गया, क्या कर पाते दिनेश ये देखना होगा। छिना चपटे जारी कॉर्नर फ्लिंग के नजदीक में बॉल मौके की तलाश में पर अभी जगन्नाथपुर की खड़ी सपोर्ट में कोई भी खिलाड़ी सामने नहीं जा पा रहे। एक बुकिंग मिलता हुआ टीम के लिए, अगर ना पाते लकी लेंगे तो बेहतरीन मौका हम लोग कर सकते हैं दूसरा गोल के लिए। अच्छी शॉट, लाजवाब शॉट था लेकिन खतरे को टालने के ताल में सफलता पर सुशील। फिर श्री कृष्णा और यहां पर बॉल को कर्ली करना में नाकाम, लेकिन पुनः पर कृष्णा मुर्मू के कब्जे बॉल बॉल चले बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर किए थे यहां पर प्रकाश मुर्मू, बार बार मौका मिले दूसरी वक्त लेने का लेकिन दूसरी गोल लगने में सफल नहीं हो पा रहे एफसी जगन्नाथपुर की खाड़ी। राजेश शकल का बम बम, रवि ने भी फिर से राजेश के लिए गोल को डाले पूरा विमल मार्डी टर्न करने की कोशिश, मौका सुशील के लिए मौका बन सकती है दिनेश के लिए काफी दूर से कमजोर शॉट अच्छे लिए गोलकीपर और डिफेंडर के बीच थोड़ी सी तालमेल की कमी जगन्नाथपुर के खिलाड़ी उसका लाभ नहीं उठा पाए। कालीचरण का पर मिस पास कितना महंगा साबित होगा ये देखना होगा। मोराबक ये बिमाल रवि सात नंबर की खड़ी बोल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में, बुलाई के लिए पीछे बॉल को डाला गया जगन्नाथपुर टीम के खड़े को। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जीत का द्वार खोलता जाएगा इसे जगन्नाथपुर के लिए और मुश्किल बढ़ता जाएगा शिकल का बुम बुम टीम के लिए। आज चलिए इसी के साथ समय समाप्ति घोषणा, मैच को जीते यहाँ पर एबीसी जगन्नाथपुर की टीम लेकिन दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं सकल का बुम बुम टीम की खाड़ी। मोरा बग रे